पता लेना रजा को पता नहीं कुछ सोच के आई इसलिए जिम पिक करने आई थी क्योंकि इसको बाद में वैसा जाता है ग्रोसरी शॉपिंग। कैसे क्या लेना है? केक बनाओगी? ईद पे तुम लोगों ने ये रखा था ना गिरा मत, तो इस पे ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट जैसे मैंने मिठाई रखी थी तो इसको बनाने भैया केक तुम दे रही हो उसके सामान जब मेरी जिम स्टार्ट हुआ तब केक बनाना। एक्चुअली उसको शौक है भले वो ऐसे खाए या हम लोग कोई भी नहीं खाए किसी को दे देते वो किसी ना किसी के पेट में जाता है लेकिन उसको शौक है तो मुझे नहीं रोकते कि ठीक है बना लो। एलिफेंट का केक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेकिंग में कितनी सारी चीजें हैं, ये शेप बोलते हैं टेस्ट बोलते हैं ना, तो हम लोग भाभी से कुछ ना कुछ बेकिंग के बारे में सीखा है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे घर में रजा जिसे बेकिंग में कुछ आता है बस हम लोग मुझे कुछ कुछ बताया कि सारे शेप होते हैं ऐसी चॉकलेट भी बना सकते हैं। जल्दी जल्दी बहुत जल्दी अम्मी ने मंगाया डब्बा सामान लेके आई वो अलग करके रख रही है। कॉफी भी मैंने लेके आई हूँ बनाने के लिए। विपिंग मशीन है नहीं, खो गई है विपिंग मशीन थी तो हम लोग यहाँ पे रहते नहीं है हमारे सामान पता नहीं जल ले जाते। थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि मैंने ये पानी में डलवा लिया बहुत सारा नींबू का रस और मैं ये पी के जा रही हूँ इससे मेरी चर्बी भी पिघलेगी और मुझे हिम्मत भी आएगी। मेरा भी आ रहा है शूट में कर रहा हूँ मेरे शूट को कर रहा है सीसा सामने से। ये हो गई कॉफी बेकिंग पाउडर, ये हो गया मैदा, ये हो गया कलर, ये है स्पून मिल्क मेड ब्रश दो कटोरे कड़ी बस साइड में हमारी रेडी होने वाली है तो अभी हम आया था किसी ने भेजा था ये कैप के साथ जॉइनर रिजा लगा के बैठी कितनी क्यूट लग रही है। ऊपर देखो रिजा क्या क्या सिस्टम आता है वही तो मुझे लगा ये कैप है फिर बाद में चला ये तो दुपट्टा भी है साथ में। ये फ्रेम्स ना मुझे बहुत अच्छे लगे थे आईकिया से लिए थे ना फिर मैंने सोचा कुछ तो रीयूज कर सकते हैं और ये वॉल यहाँ पे खाली थी इसमें हमने लगा लिया है ये मिरर और इसे हम यहाँ पे लगा देंगे वो लग जाए फिर आपको दिखाते हैं कैसे फिर ऐसे बैठ के देखिए अब यहाँ स्कूल में फिर ऊपर कर लेते हैं ऊपर कर लेते रुक जाइए। जिम से आके फ्रेंड्स अनबॉक्सिंग करने लगी थी और बाहर से खा लेती हूँ तो रिजा बना रही है यहाँ पे केक। हम एक छोटा सा केक बनाने के लिए इतना सामान जो 15 अगस्त के लिए बना रही तीन कर रही है अभी तो हां उसी के लिए तो ट्राई कर रही हूं ना ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो फ्रेंड्स कैसा बनेगा वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे अनबॉक्स बैठा हुआ देख रहा है एक काम कर बटन ले गया इतनी रात में टाइम देख रहे हैं मेरा केक आज खा लिया जाए आज आप दाल चावल खाएंगे जाजी लगे हैं फिर हम शुरू हो गई सफाई। अरे वो कांच एकदम साफ देखने अच्छे से बनाएंगे इसी से कर भाई ये कौन सा तरीका देसी तरीका अरे वाह ये कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है चल रहा कैसे हो रहा है प्लस मिक्सर में भी चला सकते हैं उसमें लाए हो ना। थैंक यू रिहान मेरा काम आसान कैसे लग रहे हैं देखो राम को भी अच्छे लगे ये भाई है ना क्या यहाँ पे बैटर रेडी हो गया मैंने लकी स्मेल आया थोड़ा सा और डाल दिया वैनिला एसेंस चाहिए इतनी सारी फरमाइश है केक की कहाँ है वैनिला एसेंस वैनिला की खुशबू आएगी। केक बनने का भी प्रोसेस चल रहा है तो फ्लैट ब्रेड करनी मतलब ये बस ब्लैक ब्लैक पूरा बहुत ज्यादा अच्छा था रोहन को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली वो लोग आए थे तो उन्होंने काफी अच्छा माहौल कर दिया था और मुझे भी इतने अच्छे से दुआ देके गए हैं बेबी के लिए ब्लेसिंग देके गए हैं वो कुछ बहन के गए हेल्दी और वो कुछ ऐसा कि फिर जब ऐसा अल्लाह मौका देगा तो फिर उसको कुछ मतलब किसी को देना है। क्या चुप गया कैसे इसका केक बन गया जो कि इसने बहुत प्यारा बनाया है रोज अच्छा तो तुम सनी भाई के फोन से लगा ये देखो इतना क्रैक हुआ है। सनी भाई मान तो रहे नहीं फोन लेने के लिए किसी दिन मंगा के या फिर जाके उनको डायरेक्टली आपका फोन ही खोल रहा था उसे खून निकल रहा है क्यों नहीं आप चेंज करते इसने इंडिपेंडेंस से पहले इंडिपेंडेंस केक बना लिया बाहर से चलो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है ये देखते अंदर से कैसा है वो ज्यादा मेन चीज होती है। अरे वाह सॉफ्ट रिजा ऐसे सीखेगी वो कम से कम बना लेती हो तुम अब तुम भी केक बना के दिखाओ अंदर से बोलो तो चलो अभी मैं खा के देखती हूँ पहले जो अपना हुआ बनाती थी फिर बहुत अच्छा है ना बहुत टेस्टी है परफेक्ट है हल्का सा कम फूल है इसकी गलती नहीं है क्योंकि माइक्रोवेव में बनाया हमने जो नया माइक्रोवेव लिया था उसमें अवन भी है लेकिन जो सेपरेट अवन होता है इसकी बात अलग होती है इसको ना उसकी आदत है बहुत सॉफ्ट है टेस्ट भी बहुत यमी है अंडे की स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही है काट के दे दे ये क्यों किया इतनी देर से किसी ने देखा नहीं
हाँ इतना बड़ा पोपट करती है। मैंने वही नोटिस किया था, कोई बात नहीं है, उससे गलती से हो गया ऐसा। अभी वो तो रिहान ने नोटिस कर लिया, हम लोग तो इतनी देर से नोटिस ही नहीं कर पाए। मुझे लग रहा है लेयर गलत से एक ऊपर एक नीचे हो गया। उल्टा कर देते। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जैसे की मेहनत अच्छी लगी होगी और जो भी इस ब्लॉग में हमने किया आपको अच्छा लगा होगा। वो क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है भैया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।